गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एचटेट के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमारी लाइव क्लासेस तो शुरू हो ही चुकी है, नाउन से हमने उसको शुरू कर ही दिया है। आज हम प्रैक्टिस जो क्लास है वो भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी करवाऊंगा और साथ में कुछ नए क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लेवल 1 2017 के लिए जो पेपर में क्वेश्चन थे इंग्लिश के, वो सब सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइंड लेटर एट द इनिशियल लेवल इन वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। अब इन चारों वर्ड को आपने पढ़ना है और जो डिफरेंट साउंड है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट वर्ड है अंडर, यूनिवर्स, यूनियन, यूनिटी। तो यूनिवर्स, यूनियन और यूनिटी तीन ऐसे वर्ड हैं जिनमें यू की साउंड बन रही है और जो अंडरलाइन वर्ड है यू पहले में वो उसमें बना ए अंडर। तो आपका फर्स्ट जो है हमारा आंसर हो गया। सेकंड है, विच वन ऑफ दीज ऑप्शंस हैज़ द वर्ड अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस। सबसे पहले एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि फर्स्ट तो आप इन सब क्वेश्चंस को अपने आप बना कर देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको जैसे सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ तो यहाँ पर भी आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप साथ के साथ कमेंट करेंगे, आप आंसर देंगे इस हर एक क्वेश्चन का, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कि आपको साथ के साथ पता रहेगा कि आंसर आपने क्या किया, क्या लॉजिक है। तो उस लॉजिक को अच्छे से समझने के लिए आप आंसर पहले दें और फिर उसके बाद देखिए कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, ठीक है। चलिए तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें अरेंजमेंट करना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो नॉर्मली जो हमारा ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आई हैव से हमारे दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड और फोर्थ, आई हैव। अब इसके बाद है पेड द बिल, लेकिन ऑलरेडी को कहाँ पर यूज़ करना है तो ये एडवर्ब में हम यूज़ करते हैं। ऑलरेडी जो है एडवर्ब है, एडवर्ब किसको डिफाइन करता है, वो वर्ब को करता है, तो इसका लेंगे हम वर्ब के से पहले, ठीक है। तो वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल, यानी सेकंड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल पूछा है, दिस इज डैश बेस्ट प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो बेस्ट प्लेस, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है जिसके साथ हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज पंक्चुएशन मार्क हैज़ बीन करेक्टली यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। व्हाट से हम दो सेंटेंस यूज करते हैं, एक इंटरोगेटिव और दूसरा हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पर हमें साइन देखना है, इंटरोगेटिव लें या एक्सक्लेमेशन देखें। तो देखिए जब भी आप व्हाट का यूज़ करते हैं तो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप उस क्वेश्चन में उस व्हाट का रिप्लाई जानते हैं, ठीक है। यानी आप उससे जो चीज़ पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, आप उस क्या का जो आंसर पूछना चाहते हैं। लेकिन जब एक्सक्लेमेशन होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आप किसी चीज़ को देखकर एकदम से आपके माइंड में कोई एकदम से आपकी कोई फीलिंग आती है तो उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग को अगर जब एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर आपका इस वर्ड का आंसर पहले से ऑलरेडी मिलता है। जैसे यहाँ पर व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल पिक्चर व्हाट का आंसर तो है ही, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव नहीं है, ये आपका एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि जब एक्सक्लेमेशन होता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होता है, इंटरोगेटिव में व्हाट के साथ ही वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज व्हाट के साथ होता है, लेकिन इसमें इट के बाद है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स दोनों ध्यान रखिए हमेशा,
तो इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। ये एक्सक्लेमेशन है कि कई बार बहुत सुंदर पिक्चर देख के हम कह देते हैं कि देखो कितनी सुंदर पिक्चर है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए फर्स्ट आप इसको ट्राई करिए और आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है? आप इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। चलिए करिए जल्दी से, आप इसका रिप्लाई करिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जब तक आप कमेंट करते हैं मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ टेंस के बारे में। जब भी आपको टेंस करना हो तो देखो टेंस की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस को मैंने बताया हुआ है। सिर्फ दो वीडियो में टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस और आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होता। तो देखिए इट वॉज ए क्लियर नाइट एंड द स्टार्स, तो मैंने जब टेंस बताए हैं तो टेंस में फर्स्ट पॉइंट तो यही बताया है कि पहले ये देखिए कि सिंगुलर या प्लूरल, तो स्टार्स प्लूरल है, स्टार्स प्लूरल है, तो दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, इज ट्विंकलिंग और हैज़ ट्विंकल्ड तो हो ही नहीं सकता। अब दो ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं। अब जब देखिए कि टेंस टाइम जो है, सेकंड पॉइंट मैंने करवाया हुआ कि टाइम देखिए, टाइम से हमें इट वॉज ए क्लियर नाइट यानी किसी रात की बात हो रही है, जो रात जो है पास्ट की है कोई रात, तो पास्ट की एक घटना है, एंड बीच में ले रहे हैं तो इसका मतलब इधर भी हम पास्ट यूज़ करेंगे, तो जब पास्ट यूज़ करेंगे तो पास्ट का ऑप्शन हमारे पास है सेकंड वर्ड ट्विंकलिंग, ठीक है? डी ए बी हमारा गलत हो गया, तो यहाँ पर आंसर बनेगा बी वर्ड ट्विंकलिंग। टेंस बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आप वीडियो को देख लें, ठीक है? यहाँ पर आपको नीचे जो वीडियो है आपको उनमें मिल जाएगी, ठीक है? चैनल पे जाएंगे, चैनल पर आप इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, चाहे वहाँ पर जाकर देख लिए वैसे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर लें प्रवीण टाक टेंस ऐसा कुछ लिखकर आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? चैनल का नाम लिख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू टर्न डाउन सच ए गुड प्रपोजल। इसमें अंडरलाइन फ्रेज हमें इसको बताना है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एक बात आप समझिए, चलो मीनिंग आपको नहीं आता, मुझे पता है सामान्यतः स्टूडेंट्स फ्रेज याद नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल भी है थोड़ा याद करने में, क्योंकि हमें इसको, हम यहाँ पर एक सिचुएशन बनाते हैं और ऐसी सिचुएशन को समझ के हम आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। कभी भी कोई अच्छा प्रपोजल हो तो सामने वाले के लिए आप इस सेंटेंस को कैसे यूज़ करोगे, मतलब ये है कि तुम मुझसे क्या पूछोगे। अगर मैं कहूँ कि रिफ्यूज़, वाई डिड यू रिफ्यूज़ सच ए गुड प्रपोजल, तुमने इतने अच्छे प्रपोजल को मना क्यों कर दिया। सेकंड ऑप्शन ले तो ये कह रहे हैं कि हम स्थगित क्यों कर दिया, इतना अच्छा प्रपोजल स्थगित क्यों कर दिया, इतना अच्छा प्रपोजल रिप्लाई करें कि इतने अच्छे प्रपोजल का रिप्लाई क्यों दिया, ठीक है? या स्वीकार क्यों किया, एक्सेप्ट करें। तो अब देखो डी तो नहीं होगा, स्वीकार करने में हम ये थोड़े, कोई आपसे ये पूछेगा क्या कि अच्छा प्रपोजल है तुमने स्वीकार क्यों कर लिया, अच्छा प्रपोजल तो स्वीकार करने के लिए ही होता है, तो इसका मतलब वो तो नहीं होगा। रिफ्यूज आंसर होगा कि तुमने अच्छे प्रपोजल को मना क्यों कर दिया। पोस्टपोन नहीं करते हैं, ठीक है? पोस्टपोन भी यूज़ नहीं होता, तो आप यूज़ करेंगे रिफ्यूज़ कि तुमने इतने अच्छे प्रपोजल को रिफ्यूज़ क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया, ठीक है? सामान्यतः हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, ना रिप्लाई पूछते, ना एक्सेप्ट, ना पोस्टपोन, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर जो है रिफ्यूज़ है। अदरवाइज फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तो आपको ठीक से याद होगी, लेकिन मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया कि मीनिंग सेंटेंस का बना के देखिए और जो सही सिचुएशन होती है वो आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, इट इज़ डैश कॉल्ड टूडे, प्लीज़ डू नॉट गो आउट फॉर ए वॉक। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए आप कि वेरी सम मच और लिटल, इनका हमें यूज़ करना है और हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है चार, वेरी सम मच और लिटल, और हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है, लिटल हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? हम यूज़ करेंगे या तो मच या वेरी ही। लिटल और सम क्यों यूज़ नहीं करेंगे, कि हम किसी को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं प्लीज़ डू नॉट गो आउट फॉर ए वॉक, कि बाहर मत जाओ वॉक के लिए क्योंकि आज ठंड ज़्यादा है, हम ये कहेंगे ना कि ये कहेंगे थोड़ी है या कम है। कम में तो जाना चाहिए, थोड़ी है तो भी चला जा सकता है, लेकिन क्या ज़्यादा में जाना ठीक नहीं रहता। तो उस तरह से एक तो सेंटेंस का सेंस देखना पड़ेगा कि कम यूज़ करें या ज़्यादा। अब लेते हैं वेरी और मच में से,
तो वेरी यूज होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, इस पे अभी तक एडवर्ब में हमने एडवर्ब की क्लास में इसको जरूर हम जल्द ही इसको डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है तो कोल्ड पॉजिटिव डिग्री है, और मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, तो यहाँ आएगा इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एडजेक्टिव बताना है। 53 क्वेश्चन नंबर में हमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चार वर्ड दिए हैं इसमें से कौन सा है। तो देखिए, फंक्शन पे डिपेंड करेगा, फंक्शन पे, मैंने नाउन पे एक फंक्शन की वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, वो जरूर क्लास देख लें जिसने नहीं देखी अब तक, बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उस क्लास से आपको एक एडजेक्टिव और एडवर्ब पे हम फंक्शन की एक क्लास और लेंगे, क्योंकि एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एस्टेट के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लास है वो जो भी टॉपिक्स की आपको क्लास चाहिए वो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपके वैल्यूएबल कमेंट की हमें बहुत ज़रूरत भी रहती है। आप अपना रिव्यू दे के क्लास कैसी रही, ये आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ ये कैसा है, कोई प्रॉब्लम है, जो भी है, अपनी हर एक वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इसके बाद ही तो ये देखिए, वॉचिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब हुई, इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, तो प्रोग्राम हुआ हमारा नाउन। ठीक है, क्योंकि एन जो यूज हुआ है वो आर्टिकल है, वो प्रोग्राम के लिए यूज हुआ है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है प्रोग्राम का। ठीक है, तो एडजेक्टिव भी पूछा था, इंटरेस्टिंग हमारा आंसर हो गया, प्रोग्राम नाउन है। इसके बाद आगे चलें तो ओन वाइल्ड लाइफ, क्लियर मैं सारे वर्ड कर देता हूँ, ओन वाइल्ड लाइफ, ओन क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है हमारा। ठीक है, तो आप जब नाउन का देख लेंगे तो देखो तीन दो वर्ड तो आपको नाउन ही मिल गए, तो फंक्शन इसलिए ज़रूर अच्छे से देखना। नेक्स्ट से फिर से एक और वर्ड आया जो साउंड के बारे में ही है, यहाँ पर भी डिफरेंट साउंड हमें बतानी है, तो कैच, वाच, मैच और पैट्रियार्क। देखिए, तो कैच और जो वाच मैच, ये तीन में तो चै की साउंड बन रही है, लेकिन नेक्स्ट में पैट्रियार्क कै की साउंड बनी है। ठीक है, पैट्रियार्क मीन्स होता है पितृसत्ता, यानी जहाँ जिसमें घर में पिता की चलती हो, मैट्रियार्क होता है जिस घर में माता की चलती हो, ये दोनों ही संस्कृत से गए हुए शब्द हैं, उसमें फ्रेंच में, फ्रेंच से ये इंग्लिश में आए हैं। ठीक है, तो पैट्री मीन्स यहाँ पर आप समझे पितृ, और मैट्री मीन्स होता है माता, मित्र जैसे हम कहते हैं मित्र। ठीक है, या सॉरी मातृ, तो मैट्री मीन्स मातृ, आप संस्कृत में बोलेंगे तो उसको मातृ कहेंगे। नेक्स्ट है, इसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड ग्रुप्स इज यूज्ड एज नाउन्स इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन की PDF जो है बहुत बार शेयर भी की है, और यहाँ पर WhatsApp का जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा WhatsApp ग्रुप का, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, उसमें आपकी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। जब वर्ड आपको देता है तो उसको कैसे समझना है, देखो चलिए मैं आप क्लियर कर देता हूँ, एडवाइज, एडवाइस और एडवाइजेबल, एडवाइजली। अब ये देखिए, एडवाइस जो है वो फर्स्ट आपका नाउन होता है, एडवाइज होती है मेन वर्ब, एडवाइजेबल होता है आपका एडजेक्टिव, और लास्ट जो है वो हो गया हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो अब उस फॉर्मेशन में आपको एडवाइस प्रैक्टिस में दिया हुआ है, और एडमायरेशन ये बहुत आसान है, एडमायरेशन कि किसी भी वर्ड के पीछे IUN लग जाए, TIUN लग जाए, तो वो आपका नाउन होता है। ठीक है, ये बात वहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल से समझाई गई है, तो उस PDF को अच्छे से देख लें, उसको अपना नोट्स अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं वो, उसको समझ लें। नेक्स्ट हमारा पैसेज है, इस पैसेज को आप कर लें, बस मैं इसके आपको सिर्फ आंसर करवा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें इसको, या फिर आप इसकी PDF भी लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर कुछ देर रोकता हूँ। 56, यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको पढ़ के आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर जो 56 का होगा, लिविंग ऑन ए डंक हीप होगा इसका आंसर।
57 का आंसर होगा रिच, सेफ एंड श्योर. 58 का आंसर होगा आपका फ्री फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है. और 59 का आंसर होगा सी, ठीक है. 4, 1, 2, 3 सी इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज सीटिंग नेक्स्ट डैश हर ब्रदर इन द सेकेंड रो. तो बाय, टुवर्ड्स, टू और ऑन. नेक्स्ट के साथ आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हो, टू क्लोज, और नेक्स्ट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज हो. तो सी इज नेक्स्ट टू हर ब्रदर, ठीक है, इन द सेकेंड रो, ये इसका आंसर होगा. तो आपको कैसी लगी क्लास? थोड़ी सी तबीयत अभी भी डाउन है, तो साउंड इतनी अच्छी नहीं आ रही अभी भी मेरी, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और इम्प्रूव होगी. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, और क्लासेस हमारी कैसी लगती है आपको उसके लिए रिव्यू ज़रूर दें, और प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है दोस्तों. आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में आज रात को 9 बजे हम मिलते हैं, और उस क्लास में आज आपको हम नाउन को आगे प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं, ठीक है. नमस्कार.